नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे CISF फायरमैन का, जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं, जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर चुके हैं, जिसका पोस्ट जो था वो 1130 था, एलिजिबिलिटी जो थी वो 10+2 थी, उनके बारे में, एग्जाम के बारे में बताएंगे आपको और फिजिकल के बारे में बताएंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको बताएंगे, टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और इसका जो एग्जाम डेट है वो लगभग कब तक आएगा और फिजिकल भी कब तक होगा, तो चलिए आगे हम बात करते हैं, बने रहिए इस वीडियो पे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन जो हो चुका था वो 31/8 से 30/9 तक एप्लीकेशन इसका हो चुका था। एग्जाम पे लास्ट फी डेट जो है वो भी यहाँ पे 30 तारीख को ही दिया गया था। अब यहाँ पे आपको एग्जाम डेट की बात करते हैं, तो एग्जाम डेट इसका है नवंबर दिसंबर 2024 तक आपका यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे नवंबर या फिर दिसंबर में आपको एग्जाम डेट, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम इसका होता है, पहले ऑफलाइन होता था, इस बार देखते हैं ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो ये आपको देखना है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा। एडमिट कार्ड जो है वो 7 से 10 दिन, हाँ 7 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद करते हैं, यहाँ पे जनरल OBC फी के बारे में बताया गया है। अब टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 1130 है, और यहाँ पे कितने पोस्ट जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे भरे हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल्स टोटल जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कॉन्स्टेबल फायरमैन जो हैं वो यहाँ पोस्ट का नाम है, UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 466 पोस्ट दिए गए हैं, OBC के लिए 236, यानी कि जो भी OBC से आते हैं उनके लिए 236 पॉइंट्स हैं, EWS के लिए 114 पॉइंट दिया गया है, SC के लिए 153 यानी 153 पोस्ट दिया गया है, ST के लिए 161, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं 1130 हैं, जो कि ये सारे डिपार्टमेंट में मिलके आने वाले हैं। अब करते हैं कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो है वो फिटनेस टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स आप नहीं अप्लाई कर सकती, तो यहाँ पे फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और जो भी 10+2 भरा फॉर्म है वो भरा है, और जिनका साइंस सब्जेक्ट है, यानी कि आप आर्ट्स वाले नहीं भर सकते, कॉमर्स वाले भी नहीं भर सकते, सिर्फ साइंस वाले भर सकते हैं, ठीक है। हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, 170 से आपका प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम है तो आपको यदि एज रिलैक्सेशन मिलता है तो उसमें आप देख सकते हो। चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। अब बात करते हैं और ज़्यादा डिटेल्स के लिए, यहाँ पे कह रहा है कि नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए। अब चलिए हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं PET की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CISF फायरमैन फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि PET इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ द CISF फायरमैन सिलेक्शन प्रोसेस। दिस स्टेज असेस द फिजिकल फिटनेस एंड इंड्योरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि ये सबसे टफ जो है वो है फिजिकल आपका। तो यहाँ पे सबसे मेन जो एक ही चीज़ होता है, जैसे आप देख सकते हो SSC GD में जो होता है वो 5 किलोमीटर की जो रेस होती है वो 24 मिनट में आपको पूरा करना पड़ता है, यदि इससे 1 सेकंड भी आप ज़्यादा हो जाते हो तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे आप देख सकते हो 5 किलोमीटर का रेस दिया गया है, तो यहाँ ये सिर्फ आपको वही 5 किलोमीटर जो है वो आपको 24 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब दूसरा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो PMT की बात करते हैं। PMT जो है ये इधर है, तो PMT की बात करते हैं, तो PMT के लिए आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो होता है, यहाँ पे आप चेस्ट जो है वो आपका 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि एक्सपेंडेशन के अनुसार, और आपका हाइट जो होना चाहिए हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ पे फीमेल के लिए नहीं है, फीमेल इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो यहाँ पे आप देखते हो 80 से 85 आपको फुला के करना है। वेट जो है वो आपका एज के अनुसार, एज और हाइट के अनुसार आपका वेट लिया जाएगा।
अब एग्जाम पैटर्न की बात कर देते हैं। एग्जाम पैटर्न में मल्टीपल क्वेश्चन आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि यहाँ पे 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और हिंदी या फिर इंग्लिश आप जो भी सिलेक्ट यहाँ पे करते हैं, इससे भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपका 100। और टोटल मार्क्स जो इससे मिलेंगे, यहाँ पे जो भी मार्क्स मिलेंगे इससे, वो भी आपके हो जाएंगे 100। यानी कि यहाँ पे 100 टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। अब यहाँ पे इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा जाता है ज़्यादा, यानी कि 85 से 88, 89 या फिर 90 तक आपका यहाँ पे कट ऑफ जाने की उम्मीद रहती है इसके। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, जो कि चार सब्जेक्ट में जैसे आप कांस्टेबल जीडी का भरते हैं, वैसे सेम टू सेम इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपका सबसे पहले रिटेन टेस्ट जो है वो होगा। उसके बाद आपका फिजिकल, यानी कि पीईटी पीएसटी। उसके बाद आपका होगा मेडिकल, यानी डीएमई। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। तो आपका एग्जाम पैटर्न है। अब देखिए, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा एग्जाम होने से 7 से 10 दिन पहले। आप एडमिट कार्ड लेके अपना एग्जाम देने जा सकते हैं। बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक तो करते जाइए। 1 लाइक फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।